रिसेंटली मैं आप लोगों को पता चला होगा कि अभी रिसेंटली में पोलैंड में जो है वो रॉकेट अटैक हुआ है, और इस रॉकेट अटैक के कारण बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस में आ गई हैं, और इस रॉकेट अटैक के पीछे रशिया की सोची समझी साजिश थी या फिर ये गलतफहमी से हुआ है। और आप लोग पोलैंड में भी ट्रैवल करने की सोच रहे होंगे कि, और दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले ये सब चीजें, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को इंडियन चैनल पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग, और आप लोग बहुत हाइपर हो रहे होंगे, बहुत टेंशन हो रही होगी। तो मैं आपकी इस टेंशन को बिल्कुल दूर कर देती हूँ और बताती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो दोस्तों मेरा नाम है सपना शर्मा और मैं यहाँ पर रोकलो सिटी में रहती हूँ, पोलैंड की छोटी सी सिटी है। और ये जो रॉकेट अटैक जहां पर हुआ है, मतलब ये जो अंश जो उस रॉकेट के हम बोलेंगे आए हैं, वो सिटी जो है मेरी सिटी से 328 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय कार से हम बात करें तो 4 घंटे की दूरी पर ये है, और पैदल की बात करें तो 2 दिन इस सिटी तक पहुंचने में लग जाएगा। और इस सिटी का नाम है सजोवानिया, जहां पर ये मिसाइल अटैक गिरा है। तो दोस्तों चलते हैं उस तरफ और आपको बताते हैं कि क्या सीन ये हुआ है। तो आप लोगों को रिसेंटली भी पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज्यादा वॉर चल रहा है, लाइक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, लगभग 7 महीने हो गए हैं, 8 महीने लगभग। और मैं इस वॉर के दौरान ही यहाँ पर आई थी पोलैंड में, और अभी तक कुछ सीन अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, पोलैंड पर कुछ भी चीजें नहीं हुई है। और आज मतलब आज नहीं, कल मैं आपको बता दूं, कल ही अटैक हुआ है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या इसके पीछे चीज थी। तो दोस्तों जब रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे थे बाय द हेल्प ऑफ रॉकेट, तो क्या हुआ, ये जो रॉकेट है वो कंप्यूटराइजेशन होता है, कंप्यूटर की हेल्प से रॉकेट चलते हैं, और कंप्यूटर आप लोगों को पता ही है इतना ज्यादा, मतलब कभी कभी गलत भी हो जाता है, लाइक अभी कंप्यूटर में हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और कभी कभी गलत इंस्ट्रक्शन भी गेट कर लेता है। तो इसी मतलब यही हुआ इस सीन में भी। तो रशिया और यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था और रशिया यूक्रेन की सिटी पर कब्जा करना चाहता था, तो यूक्रेन और रशिया में जब रॉकेट अटैक हुआ, लाइक ये रॉकेट, 2 रॉकेट हैं और ये आपस में आके मिल रहे हैं, तो जैसे ही रॉकेट अटैक हुआ तो एकदम से ब्लास्ट हुआ। और ये जो रॉकेट अटैक है वो पोलैंड के बॉर्डर पर ही हो रहा था, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के जो अंश है वो 3 किलोमीटर पोलैंड के मतलब पोलैंड के बॉर्डर को क्रॉस कर 3 किलोमीटर जाकर एक फैक्ट्री में गिरा, जो कि अनाज की फैक्ट्री थी। और वहां पर 2 लोग जो है वो मर चुके हैं, बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख है इस चीज का। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई लोगों को कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसी दौरान जब ये अटैक हुआ या जब चीजें हुई, तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर के साथ में इमरजेंसी मीटिंग बिठाई, जो कि बहुत बड़ी बात है पोलैंड के लिए। और उस मीटिंग में बात की गई कि ये जो अटैक हुआ है वो जानबूझ के किया गया है कि नहीं। तो सब कुछ कंक्लूजन निकालने के बाद में पता चला कि इट वॉज बाय मिस्टेक, और ऐसा कोई रशिया या फिर यूक्रेन का सीन नहीं था पोलैंड को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो गलतफहमी से हो गया। तो पोलैंड इस बात पर बहुत ज्यादा मतलब दुखी है कि उनके 2 लोग मर गए हैं, पर ये बात अलग से खुशी भी है कि वो एक्सीडेंटली हुआ, इंटेंशनली नहीं हुआ। तो अगर आप इंडियन न्यूज चैनल पर ये न्यूज सुन रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होने वाली है, पोलैंड ना आए या फिर ये सब चीजें, मैं मानती हूं कि पोलैंड आना खतरे से खाली नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप लोग लाइक सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पोलैंड के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपको वीजा मिल गया तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जनवरी के बाद आए। और जनवरी के बाद भी क्यों आए, तो मैंने आपके लिए ये भी वीडियो बना रखी है, तो प्लीज जाकर वो वीडियो देखिएगा और आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को क्या पूछना है मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बनाती रहूंगी, आपको अपडेट करती रहूंगी कि यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।